शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बाईस अगस्त से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को केवल 3 दिन शेष हैं। ऐसे में भारी बारिश के चलते शहर में सड़कों की अवस्था बदहाल हो पड़ी है, तो जगह जगह रास्ते पर बने गड्ढे बड़ी दुर्घटना और मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो बप्पा के आगमन में इन खड्डों के विघ्न ने फिर एक बार नवी मुंबईकरों को परेशान करने के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे भयावह अवस्था गांवठान और महामार्गों की है, जहां पता लगाना भी मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें। बहुत दिन से देख रहा हूं मैं, बारिश से चालू है, ये गणपति का त्यौहार आ रहा है नजदीक, उसके लिए अभी बहुत जगह पर देखता हूं गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए, तो क्या उसके लिए सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? नगर पालिका, महानगर पालिका, उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नई मुंबई महानगर पालिका, उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जितने गड्ढे है वो अपना जल्दी जल्दी गणपति के पहले वो अपना काम करे। अरे बहुत बार इधर एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे हमको स्टैंड पे बाजू में लगाना पड़ता है। आधा काम किया है लोग ने, वहाँ पालिका लोग ने आगे का काम किया है नहीं, ये अब सामने बिल्डिंग की वजह से इधर काम चालू है। इधर गटर का पानी, संडास का पानी सब रास्ते पे आ रहे हैं, मगर इधर ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे मतलब क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा करके ट्रैफिक की वजह से और रिक्शा थोड़ा अड़चन होता है, क्योंकि NMT वाला उधर आएगा ना, एक रुक जाता है, उसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा ही हो जाता है एक गड्ढों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा बराबर इधर डांबर का ये किया है ना पालिका वाले ने, तो पूरा रास्ता बनना चाहिए। क्या अभी एक तो कोरोना का संकट है, अभी क्या है ये गड्ढे का या अवस्था देखो अभी कैसा है, गणपति आने वाला अभी कैसा लोग लेके जाएगा गड्ढे से अभी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अभी महापाली लोगों ने अभी इसके ऊपर ध्यान देके और गड्ढे का काम करवा के लिए। गड्ढों का विघ्न एक मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे खड्ढे हैं आजकल के सड़कों पे। एक तो हम लोग कोरोना से उठ के बाहर नहीं आए, तब तक बारिश की वजह से हमें खड्ढों का भी फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने ओके कुछ खड्ढे तो क्लोज किए हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो बस एक दिखावा है, जस्ट टू शट दी पब्लिक्स माउथ, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पब्लिक इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, क्योंकि बहुत सारे खड्डों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, व्हीकल्स चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बारिश के मौसम में टू व्हीलर स्किड हो सकते हैं। मैं खुद एक बार गिरते गिरते बच गया था, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी गणपति का फेस्टिवल आने वाला है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या ये खड्डों के साथ गणेश भगवान का स्वागत करेंगे? ऐसे रहेगा तो गणेश भगवान तो आएंगे ही नहीं, हर साल हम लोग को कुछ ना कुछ बहाना बना के चले जाएंगे। तो मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन, स्टर्न एक्शन ले। मनपा द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक शहर में केवल 1672 गड्ढे हैं, जिनमें से 1479 गड्ढों को भर दिया गया है, जबकि केवल 253 को भरना शेष है। मनपा को भरोसा है कि गणपति के आगमन से पहले ही नवी मुंबई की सड़कें खड्डे मुक्त होंगी। इस अगस्त से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, गणेशोत्सव में 4 दिन बचे हैं, 4 दिन शेष है, मगर नवी मुंबई में गणेशोत्सव के आगमन पर, बाप्पा के आगमन पर अभी भी सड़कों पर गड्ढों का विघ्न बना हुआ है, बरकरार है। इन गड्ढों की भरपाई, इन गड्ढों को भरने का काम मनपा की ओर से हो या फिर PWD विभाग की ओर से अब तक किया नहीं गया है। परिणाम स्वरूप आज भी कई वाहन चालक हो, मुसाफिर हो, इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ तुरहे नाका के सायन पनवेल महामार्ग पर। यह महामार्ग हर साल बारिश के मौसम में गड्ढों से तब्दील हो जाता है। यहाँ की सड़कें तो आपको नज़र नहीं आएगी, मगर इन सड़कों पर आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। एक तरफ नवी मुंबई कर कोरोना के महासंकट से जूझ रहे हैं, वहीं अब 4 दिन जिस गणेशोत्सव को बचे हैं, उस गणेशोत्सव पर गड्ढों का संकट एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर नवी मुंबई करों पर खड़ा हुआ है। क्या मनपा प्रशासन या PWD विभाग इन गड्ढों को भरने का काम कर नवी मुंबईकरों को राहत देंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।